क्या आप जानते हैं कि क्यों आप चीज़ों को टालते रहते हैं, कि क्यों आप कोई काम टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, कि क्यों आप नई आदतों को शुरू करने के लिए अगले हफ्ते, अगले महीने या नए साल का वेट करते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। 2001 में 248 लोगों के ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शुरू हुई। गोल था लोगों में एक्सरसाइज की अच्छी हैबिट शुरू करवाना। पार्टिसिपेंट 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए। पहले ग्रुप से बोला गया, जब भी आप एक्सरसाइज करें उसे रिकॉर्ड कर लें। दूसरे ग्रुप से बोला गया, वर्कआउट रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट और डिटेल पढ़िए। और इन लोगों को रिसर्चर्स ने मोटिवेट भी किया कि कैसे एक्सरसाइज करने से हर्ट डिजीज का खतरा नहीं होता। तीसरे ग्रुप को भी मोटिवेट किया गया। सेकंड ग्रुप वाली बात बताई गई कि एक्सरसाइज से सेहत बढ़िया रहती है, लेकिन इस ग्रुप से स्टेटमेंट भी लिखवाया गया कि अगले हफ्ते आप कब और कैसे एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं हफ्ते के 2 दिन मंडे और फ्राइडे सुबह 6 बजे सेंट्रल पार्क में 20 मिनट जॉगिंग करूंगा। फिर आगे रिसर्च में पता चला कि पहले ग्रुप के 35% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की। दूसरे ग्रुप पर मोटिवेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उनका परफॉर्मेंस पहले ग्रुप से थोड़ा सा ही अलग था। लेकिन तीसरे ग्रुप में 91% लोगों ने एक्सरसाइज की, मतलब तीसरे ग्रुप का हैबिट स्टार्ट करने का रेट दूसरे ग्रुप के डबल से भी ज्यादा था। जो स्टेटमेंट तीसरे ग्रुप से लिखवाए गए थे उन्हें कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादा। हर कोई कॉन्शियसली गोल अचीव करना चाहता है, मतलब इंटेंशन तो सबके पास है, बस उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यानी प्लान से चलने की कमी है, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। किसी हैबिट को शुरू करने के लिए क्यू की आवश्यकता होती है, तथा 2 सबसे सामान्य क्यू हैं, टाइम और प्लेस। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इन दोनों क्यू का ही इस्तेमाल करता है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को बनाने का फॉर्मेट होता है, जब एक्स स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन गोल पे टिके रहने के लिए काफी इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये क्लैरिटी को बढ़ा देती है, जिससे नई आदतों को करने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन तय हो जाती है तो मोटिवेट होने का वेट नहीं करना पड़ता। जब काम करने का समय या स्थान आता है तो आप पहले से ही निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से काम करने लगते हैं। अब आता है कि इसका यूज कैसे करें। इसके लिए इस सेंटेंस को पूरा करो। इसमें बिहेवियर की जगह पर उस व्यवहार को लिखो जिसे आप करना चाहते हैं। टाइम के जगह पर व्यवहार करने के समय को और लोकेशन की जगह पर व्यवहार करने की जगह को लिखो। जैसे अगर मुझे हर रोज सुबह सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना है तो मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार भरूंगा, मैं सुबह 7 बजे 5 मिनट के लिए अपने कमरे में मेडिटेशन करूंगा। एक्सरसाइज के लिए कुछ ऐसा होगा, मैं सुबह 6 बजे 30 मिनट के लिए पास के पार्क में एक्सरसाइज करूंगा। अगर आप में इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि हैबिट को कब शुरू करना है तो आप किसी हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन नई हैबिट को शुरू करने की कोशिश करते हैं और सही समय का वेट करते रह जाते हैं। मुझे आशा है कि आप इस टेक्निक का यूज करेंगे और लाइफ में क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट जिसमें मैंने हैबिट स्टैकिंग के बारे में बताया है की लिंक कमेंट और ऊपर कार्ड में दे दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।